जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो, माननीय न्यायालय के आदेश को पारित करो, माननीय न्यायालय के आदेश को पारित करो, हमारी मांगें पूरी करो। हम लोग गृहरक्षक सभी समान कार्य समान वेतन के लिए हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हमारे वर्ष 2016 में ही डिग्री हुई थी। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, माननीय उच्च न्यायालय से भी हम लोग का डिग्री हुआ हो गया है, परंतु आज तक सरकार के द्वारा हम लोग को बुलाए में रखकर नीतीश कुमार हम लोग को घुमा रहे हैं, आज तक सरकार के द्वारा नहीं मिला। और गृहरक्षक बराबर देखते होंगे कि आप भी देखते होंगे कि हर आपदा में, हर विपदा में देखे हुए, कोरोना काल में सबसे अगले पंक्ति में रहकर अपने जान के प्रवाह किए, बिना ही सब गृहरक्षकों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और विधि व्यवस्था को संतानित किया। अभी 2.5 घंटा गृहरक्षक ड्यूटी करते हैं, यही बिहार पुलिस BMP के कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर ड्यूटी किए हैं, लेकिन बिहार पुलिस को छुट्टी है लेकिन इसको अवकाश नहीं है, कोई भी अवकाश नहीं है। अगर 1-2 दिन के लिए इसके घर में इमरजेंसी हो जाता है तो जाता है, इसको भत्ता काट दिया जाता है। एक और आपके तरफ से अनुरोध करूंगा आपसे भी कि हमारे छपरा जिला के गृहरक्षक उत्पाद एवं LTF में प्रतिनियुक्त थे, उनका आज 1.5-2 साल होने जा रहे हैं, उनके कर्तव्य का भत्ता आज तक नहीं भुगतान हो पाया। 210 गृहरक्षकों का ये नगरपालिका उपचुनाव में भी जो गृहरक्षक प्रतिनिधि से कर्तव्य किए थे उनकी आज तक भत्ता नहीं निकला है। जिला पदाधिकारी से महोदय से अनुरोध करेगा, आपके स्तर से भी ये सूचना जाए कि उनके भत्ते के, गरीब गृहरक्षकों के भत्ते की निकासी हो जाए। हम लोग का मांग ये है समान काम का समान वेतन। 2016 में हम लोग का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम लोग का आदेश कर दिया है, अभी तक सरकार लागू नहीं किया है, इसी के लेकर के हम लोग का प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक हम लोग काला बिल्ला लगा करके हम लोग ड्यूटी कर रहे थे, उसके बाद अगला कुछ नहीं हुआ, तब फिर आज हम लोग धरना एक दिवस कर रहे हैं नगर पालिका चौक पर। फिर अगला आदेश हम लोग का ये है कि 31 तारीख का हम लोग का मीटिंग होगा, मीटिंग के बाद में जैसा आदेश होगा केंद्रीय समिति के तरफ से वह आदेश हम लोग फेरी करेंगे।